नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए क्या चल रही है योजनाएं, और वार्ड सदस्य, मुखिया जी, सरपंच साहब और पंच साहब के लिए क्या बन रही है सरकारी योजनाएं, और वार्ड सदस्य किस तरह के आंदोलन की कर रहे हैं तैयारी, तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार की क्या है हाल, तो वहीं राजनीतिक दाव पेच में क्या उलझा है बिहार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फिर मारेंगे पलटी, तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट। बिहार में शिक्षा विभाग की क्या चल रही है चाल, और बिहार में के पाठक और नए शिक्षा मंत्री आलोक मेहता क्या जारी कर रहे हैं नई सुधार को लेकर आदेश, तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे आज अपडेट। लेकिन उससे पहले आपसे कहना है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरों से आप रह सके अपडेट। खबर की शुरुआत हम करते हैं मौसम से, तो बिहार में सर्दी का सितम इन दिनों जारी है और अभी दो दिनों तक इसमें कोई सुधार की आशाएं संभावनाएं नहीं है। बता दें कि कल आज भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बात करें तो पटना का तापमान 8.4 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, वहीं 4 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ बिहार में गया सबसे सर्द रहा। जम्मू और शिमला से भी ठंडा रहा गया शहर, राजधानी का अधिकतम पारा बढ़ा, न्यूनतम गिरा। आपको बता दें कि पटना सहित दक्षिण बिहार में बीते दिन शीतलहर सता सकती है, इसका यानी कि आज जो है शीतलहर और कल भी शीतलहर का प्रकोप बिहार में जारी रहेगा, इसका ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकतर शहरों में घना कोहरा है और येलो अलर्ट है, पछुआ के कारण लोगों की कनकनी का एहसास हो रहा है। गया में भीषण शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, तो आज बिल्कुल ठंडा मौसम है और ठंड से 24 के बाद मिल सकती है राहत। पटना सहित 22 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट है। बर्फीली हवाओं के प्रभाव बने होने के कारण राजधानी समेत प्रदेश के अधिसंख्य भाग घना कोहरा व शीत दिवस की चपेट में रहेंगे। 24 जनवरी तक भीषण ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है, पछुआ के कारण सुबह शाम कनकनी रहेगी। आपको बताते चले कि दरभंगा, बक्सर, बांका, छपरा, भागलपुर, पूर्णिया, जेरादेई, कैमूर, डेहरी, पूसा, अगवानपुर एवं फारबिसगंज शीत दिवस की चपेट में रहे, उसी तरह से कई शहर भी शीत दिवस की चपेट में रहे हैं। आपको पहली खबर के रूप में बता दें, बिहार के वार्ड सदस्यों के लिए बड़ी प्लानिंग चल रही है। बिहार के वार्ड सदस्यों के बीच एक सामूहिक इस्तीफा देने की प्लानिंग चल रही है और पटना की धरती पर एक बार फिर तमाम बिहार के वार्ड सदस्य पहुंचने वाले हैं। आपको बताते चले कि पूरे बिहार के वार्ड सदस्य 30 जनवरी को पटना पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ एक बार फिर से भरेंगे हुंकार और राज्यपाल को सामूहिक इस्तीफा सौंपने का बन रहा है एक खास रणनीति। इनके अध्यक्ष भी ऐलान कर चुके हैं कि 30 जनवरी को तमाम वार्ड सदस्य पटना की गर्दनी बाग पहुंचेंगे और अपनी संख्या को दिखाएंगे और किस प्रकार से सरकार दो रंगी नीति बिहार के वार्ड सदस्यों के साथ अपना रही है, हम इसका पर्दाफाश करेंगे और सामूहिक रूप से राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के वार्ड सदस्यों को मात्र रबर स्टाम्प बनाकर रख दिया गया है, किसी भी योजनाओं में इनकी भागीदारी नहीं है, सभी चिल्ला रहे हैं। अलबत्ता जब इनका मानदेय भत्ता बढ़ाया गया तो सभी का दोगुना किया गया, लेकिन इनका मात्र 500 से 800 ही किया गया, गुस्सा और परवान चक गई। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए जल्द जारी हो सकता है सक्षमता परीक्षा की तिथि, फिलहाल डाटा अपलोड करने का शिक्षा विभाग ने जारी किया है आदेश। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं वे सक्षमता परीक्षा के बाद राज्यकर्मी बन जाएंगे, इसके लिए बहुत जल्द ही शिक्षा विभाग अपडेट कर सकता है, परीक्षा की तिथि घोषित कर सकता है। इसके पहले इस शिक्षा कोष पर तमाम नियोजित शिक्षकों को पूरे विवरण अपलोड करने की आदेश जारी किया गया है। वहीं आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सराय रंजन
समस्तीपुर का लोकार्पण किया। यह भव्य राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बनाया गया है। यहाँ भव्यता के साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी, भाजपा के नेता भी उपस्थित रहे और दोनों तरफ से आपसी और गुलाब का फूल देकर इन्हें बिहार के मुख्यमंत्री को भेंट किया गया। इधर आज अयोध्या में राम जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा है, पूरे देश में भव्यता दिखाई दे रही है, राममय बन गया है पूरा देश। और बात अगर बिहार की कर ले तो बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और पटना में हाई अलर्ट है। पुलिस ने निकाल दिया शाम को दोपहर में फ्लैग मार्च, बिल्कुल सुरक्षा का बिहार में ख्याल रखा गया है। लेकिन जहां केंद्र सरकार ने दोपहर बाद सरकारी संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है, तो वहीं जो है बिहार सरकार इसको ठुकरा दिया है। बिहार में स्कूल कॉलेज वगैरह प्रतिष्ठान, सरकारी प्रतिष्ठान बंद नहीं रहेंगे और पूर्णतः बिहार में राममय की स्थिति। और शाम को लोग दीपक जलाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। मंदिरों को भव्यता के साथ सजाई गई है। पटना की कई मंदिर भव्य बनाए गए हैं जहां दीपोत्सव भी और भजन कीर्तन भी गांव से लेकर शहर तक, गांवों से भी ये रिपोर्ट आ रही है कि गांव के मंदिर में भी भजन कीर्तन आरंभ आज सुबह से ही हो गई है। इधर राम में रमी, राजधानी मंदिरों व मोहल्लों में जयकारों की गूंज सुबह से ही सुनाई दे रही है। 10,000 किलोग्राम नैवेद्य किया जा रहा है तैयार। डाक बंगला पर जलेंगे 51,000 दीप। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पटना हनुमान मंदिर ने दिए सोने का तीर और धनुष। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पूर्ण अवसर पर पटना सज धज कर बिल्कुल आज तैयार दिख रहा है। सुबह से ही देखते बन रही है, राजधानी राममय हो चुकी है, हर घर में उत्सव का माहौल दिख रहा है सुबह से ही। वहीं हम आपको बता दें कि राजधानी के गली मोहल्लों में भगवान राम का ध्वज सुबह से ही, बीते दिन से ही लहराता नजर आ रहा है। कई घरों में पूजोत्सव और अखंड पाठ की तैयारी है और आज सुबह से दिख भी रही है। पटना जंक्शन महावीर मंदिर का देखते ही बन रहा है। अगर आप पटना से हैं तो जरूर महावीर मंदिर तक जाएं और देखिए वहां की भव्यता। इस्कॉन और राजवंशी नगर, हनुमान मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में विशेष उत्सव मनाया आज जा रहा है। और बात अगर कर ले अयोध्या की, तो प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जो है काफी कुछ खास लोगों को भी मिला है। वह खास लोग कौन कौन हैं हम बताएंगे। तो बिल्कुल आपको हम बताते चलें कि अगर उद्योगपति की बात कर लें तो आमंत्रण रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, आनंद महिंद्रा और अदार पूनावाला अनिल अंबानी को भी दिया गया है। तो वहीं अगर फिल्मी जगत की हस्तियों की बात कर ले तो आमंत्रण जो है अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, मोहन लाल और रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अजय देवगन, सनी देओल और प्रभास को भी आमंत्रण दिया गया। अगर बात राजनेता की कर लें तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जय मनमोहन सिंह पूर्व पीएम और एस डी देवगौड़ा पूर्व पीएम, सोनिया गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी नेता, मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम यूपी अखिलेश यादव को भी निमंत्रण दिया गया है। वहीं पटना से अयोध्या के लिए उड़ान सेवा 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। पटना से अयोध्या के बीच 1 फरवरी से रोजाना उड़ान शुरू होगी। यह दूरी 1 घंटे में तय होगी। स्पाइस जेट के स्टेशन मैनेजर सैयद हसन ने कहा कि एजेंसी 3424 अयोध्या से दोपहर 1 बजे उड़ान भरेगी और 2 बजे पटना पहुंचेगी। तो इस प्रकार से पटना से भी अब हवाई जहाज की सुविधा मिलेगी। यहीं अब शिक्षा विभाग चर्चा में है। जैसे कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक बड़ी सवाल खड़ा कर दिया है, कहा है यह कैसी सर्दी है जो मात्र स्कूलों में गिरती है। बहुत बड़ा प्रश्न है, उन्होंने यह सवाल उठा दिया है कि आखिर डीएम साहब दंडाधिकारी महोदय यह कैसी सर्दी है जो स्कूलों में गिरती है। स्कूलों को बात बात पर बंद करने की परंपरा समाप्त होनी चाहिए। अगर धारा 144 लागू करके स्कूलों को बंद कर रहे हैं सर्दी के सितम को लेकर, तो मॉल को क्यों नहीं, सिनेमा घर को क्यों नहीं, दुकानों को क्यों नहीं, ट्यूशन कोचिंग को क्यों नहीं बंद करने का आदेश दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्कुल जो है बिहार में के पाठक एक बार फिर से शिक्षा विभाग का कमान संभाल चुके हैं, वह वापस आ चुके हैं। कई चर्चाओं, कयासों के बीच वह वापस आ गए हैं और वापस आने के साथ ही
कामकाज पर शुरुआत कर दिए हैं। वहीं बीते दिन ही बिहार के शिक्षा मंत्री आलोक मेहता को बनाया गया है। आलोक मेहता आते ही उन्होंने भी अपनी एक्शन दिखाया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को और अपर मुख्य सचिव के पाठक को भी आभार जताया है कि बिहार में इतनी बड़ी बहाली करने का श्रेय है। और उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद के साथ हमें शिक्षा मंत्री का पद दिया गया है, हम उम्मीद पर खरे उतरेंगे और शिक्षा विभाग से युवक युवतियों को जो आशा है उस आशा पर हम खरे उतरेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और सब कुछ ठीक ठाक होगा। इधर बात कर ले गाँव की सरकार को लेकर, तो पंचायत सरकार भवन के लिए 300 करोड़ जारी। पंचायत सरकार भवन निर्माण में आएगी तेजी। निर्माण पर 41 अरब 71 करोड़ खर्च होंगे रुपए। 2000 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में तेजी अब आएगी। पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए सरकार ने 1300 करोड़ की राशि जारी कर दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2000 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाना है। तो ही आवास योजना की अगर बात कर लें तो आवास योजना के लाभार्थियों को जल्द मिलेगी अब दूसरी किस्त। निकायों में आवास योजना के तहत कई जिलों का बेहतर प्रदर्शन है। 15,000 नए अभ्यर्थियों को दिया जाना है आवास योजना का लाभ और जल्द कमान संभालेंगे 310 अधिकारी। इसको लेकर आपको बता दें कि 60,000 लोगों को योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि देने की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। राज्य के शहरी निकायों में चलाई जा रही सबके लिए आवास यानी हाउस फॉर ऑल योजना के तहत जल्द ही नए लाभुकों को राशि मुहैया कराई जाएगी। शहरी आवास योजना के तहत 15,000 नए लोगों को जोड़ा जाना है। वहीं करीब 60,000 लोगों को योजना के तहत दूसरी किस्त दी जाएगी। 2000 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का अब रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। 2 करोड़ से होगा एक पंचायत सरकार भवन का निर्माण। आपको बता दें कि इसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं शीघ्रता के साथ पूरे बिहार में बिहार सरकार पंचायत भवन का निर्माण हो जाए। वहीं अब सभी जिलों में गाड़ियों पर रिफ्लेक्टिव टेप की होगी अब जांच। परिवहन विभाग ने सभी डीएम को दिया है जांच का निर्देश। तो वहीं आरक्षण से जीवन नहीं बदलेगा पीके का कहना, यानी जन सुराज अभियान के प्रणेता प्रशांत किशोर ने कहा है कि आरक्षण से लोगों का जीवन नहीं बदलने वाला है। सरकारी नौकरियों में मात्र 1.57% लोगों की ही हिस्सेदारी है, शेष 98.5% लोग जो हैं सरकारी सेवा में नहीं है। जब तक लोग अपने बच्चों की शिक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो एक बहुत बड़ी चीज खड़ा कर दिए हैं। वहीं राजधानी में 100 से अधिक कृषि यंत्र कंपनियां जुटेगी। 8 फरवरी से गांधी मैदान में लगेगा कृषि यांत्रिक मेला। तो जिलों को आपदा प्रबंधन केंद्र बनेंगे जिलों में। और यही बताते चले कि 7 जिलों में ए टाइप और 11 में सामान्य यानी बी टाइप केंद्र बनना है। तो यह भी एक बड़ी चीज होगी। और फकोनिया मौलवी की 22 और 23 की परीक्षा तिथि बदल गई है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने फकोनिया मौलवी की 22 और 23 जनवरी की परीक्षा की तारीख बदल दी है। यह बदलाव अपरिहार्य कारणों से किया गया है। विद्यापति मार्ग स्थित बोर्ड कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में अध्यक्ष सलीम परवेज और सचिव अब्बुस सलाम अंसारी ने यह घोषणा की है। तो ही हम आपको बता दें 4 साल का एकीकृत बीएड इसी सत्र से शुरू कर दिया जाएगा। बीएससी बीए और बीकॉम बीएड की पढ़ाई को यूजीसी ने किया है अब अनिवार्य। वहीं गणतंत्र दिवस पर खादी मॉल पर 50% की छूट मिलेगी। परीक्षा के दौरान बाधित नहीं होगी अब पढ़ाई। मैट्रिक इंटर को लेकर एक ही स्कूल से सभी तरह की पढ़ाई होगी, यानी एक ही स्कूल में सभी शिक्षक नहीं बनेंगे शिक्षक, प्रधानाध्यापक के भी नहीं लगेगी परीक्षाओं में ड्यूटी। मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा के लिए गाइडलाइन भी खास रूप से जारी कर दिया गया है। इधर इंटरपोल से जानकारियों का आदान प्रदान करेगी अब ईओयू। साइबर अपराध को लेकर यह बड़ी पहल की जा रही है। इधर जदयू की राष्ट्रीय कार्य समिति घोषित कर दिए गए हैं। जदयू के राष्ट्रीय कार्य समिति घोषित कर दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नई टीम में 22 पदाधिकारी बनाए गए हैं। इसमें एक उपाध्यक्ष, एक सलाहकार, सह प्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष, 11 महासचिव, 6 सचिव और एक प्रवक्ता को शामिल किया गया है। इधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 को किशनगंज पहुंचेगी। 30 को पूर्णिया में होगी राहुल गांधी की सभा। वहीं बिहार के युवाओं का होगा स्किल सर्वे। घर घर सर्वे करने को श्रम संसाधन विभाग लेगा एजेंसियों की सहायता। इस साल तक सर्वे का काम पूरा होगा, इसके आधार पर बनेगी खास रिपोर्ट। तो वही महागठबंधन में कोई विवाद ना तकरार, मजबूती से चल रही है सरकार, यह दावा किया गया है। जदयू कार्यालय में विजय चौधरी बोले, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव
कि नीतीश कुमार से भेंट अस्वाभाविक नहीं, सीट पर सजारी पर बात हो रही है, अशोक चौधरी ने यह बात कही है। इधर राज्य में गन्ना मूल्य प्रति क्विंटल 20 रुपए बढ़ाया गया, तो यह भी एक बिहार सरकार की बहुत बड़ी पहल है। इधर किसानों को एयर भुगतान का निर्देश दिया गया है। एक आयुक्त गिरवर दयाल सिंह ने बताया कि सामान एवं उत्तर प्रभेद पर प्रति क्विंटल 20 रुपए बढ़ाया गया है और अब किसानों को उत्तर प्रभेद का 355 रुपए प्रति क्विंटल और समान प्रभेद का 335 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान किया जाएगा। तो वहीं जमाबंदी में सुधार नहीं करने वाले सीओ पर अब लगाना होगा लगा जुर्माना। डीएम ने लोक शिकायत के 17 मामलों की सुनवाई और समाधान भी किया। वहीं रेलवे के कम रिक्ति पर 22 लाख अभ्यर्थियों का विरोध, सोशल मीडिया पर जारी है कि आखिर इतनी कम रिक्तियां क्यों है, तो सवाल पर सवाल पैदा किए जा रहे हैं। तो वही सुनवाई एक हुई है, अमान विवाह से पैदा हुए संतान का माता पिता के संपत्ति पर हक। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुनाया है यह खास आदेश। इधर ठंड को लेकर स्कूल बंदी का आदेश वापस लें, के पाठक के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को दिया है खास आदेश। विद्यालयों का समय बदलने के पहले शिक्षा विभाग की अनुमति अनिवार्य है। लेकिन एक बार फिर से आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पटना के दंडाधिकारी ने सर्दी को लेकर स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। इधर अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तैयारी पूरी कर ली गई है और कार्य भी जारी है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को PBL मेथड से पढ़ाई होगी। नए सत्र में स्कूलों में शुरू होगी विभिन्न विषयों के प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इधर बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर परीक्षा का प्रवेश पत्र। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटर परीक्षा का जारी कर दिया गया है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। आपको कैसा लगा दोस्तों? चलने से पहले आपसे आग्रह कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे दैनिक तंत्र को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल दैनिक तंत्र को सब्सक्राइब किए, मगध संवाद को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे मिस्टर आए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।